कोटक महिंद्रा बैंक पे बालक राम चंद्रवंशी जी का। अच्छा चंद्रवंशी जी ने पिछले कुछ दिनों में हमारे लैंडलाइन पे इतने फोन किए हैं कि मैं याद नहीं कर पा रहा है कि उनकी गिनती क्या है। तो सारे दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि वो सलाह लेने का हमारे मंच पर सही तरीका नहीं है। आप फोन करेंगे हमें, हम आपके फोन पे फोन उठाएंगे, बात करेंगे, लेकिन वहाँ पर आपको सलाह नहीं मिल सकती है। सलाह लेने के लिए, राय लेने के लिए और व्यू पॉइंट समझने के लिए आपको इसी मंच पे आना पड़ेगा, इसी कार्यक्रम में जोड़ना पड़ेगा, इसी माध्यम से आपको सलाह मिलेगी। और वो सलाह निवेश मंथन की नहीं होगी, वो जिन एक्सपर्ट्स को हम बुलाते हैं, कभी सोमेश जी कभी कोई और, उनके माध्यम से जो बात आती है वो हम आप तक पहुँचाते हैं। तो इस बात को ज़रूर समझिए कि आपको कहाँ बात करनी है। फ़ोन करके आप पूछें कि भाई कोई शेयर बता दें या इस शेयर पे मुझे बता दीजिए क्या करना है, वो हम आपको नहीं बता पाएंगे। कृपया इसका ध्यान रखिए। अब सवाल है कोटक महिंद्रा बैंक पर क्या करना चाहिए। देखिए कोटक महिंद्रा बैंक में, देखिए अब तो कोटक और एचडीएफसी बैंक ये दोनों समझ गए होंगे कि जहाँ पे मैनेजमेंट रीस्ट्रक्चरिंग का सिचुएशन है वहाँ पे लोग थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहते हैं कि क्या परफॉर्म करेगा। इसका दूसरा एंगल ये है कि जो फंडामेंटल वैल्यूएशन रीड कर सकते हैं और जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं उनके लिए ये सब स्टॉक लॉन्ग टर्म में माइलेज क्रिएट कर सकते हैं। अब 6.5 प्राइस टू बुक पे आप कोटक लेने को तैयार थे, 3 पे बड़ी दिक्कत हो रही है। ग्रोथ में कोई कमी आई है क्या? कहीं से कोई कमी नहीं आई है। क्या बैलेंस शीट खराब हुआ है पहले से? क्या 100% बैलेंस शीट पहले से इम्प्रूव हुआ है? तकलीफ क्या है? तकलीफ यही है कि जब भी मैनेजमेंट रिस्ट्रक्चरिंग होती है, जब भी कोई पुराने लंबे जो मैनेजमेंट लेवल पे होते हैं वो एग्जिट लेते हैं, तो एक क्वेश्चन मार्क उठता है कि जो नया आएगा एक नई सोच के साथ आएगा। हर इंसान अलग सोचता है ना, तो जो नया आएगा नए तरीके से सोचेगा, चाहेगा कि मैं अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करूँ, तो उस पर भरोसा बनने का एक ट्रांजिशन फेज होता है। वो ट्रांजिशन फेज हमको निकालना होता है। इस बीच में हम क्या भूल जाते हैं? हम ये भूल जाते हैं कि कोटक एज एन इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है, कोटक एज अ ह्यूमन काम नहीं कर रहा है। इस बीच हम ये भूल जाते हैं कि एचडीएफसी बैंक एज इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है, एज वन पर्सन काम नहीं कर रहा है। एज लॉन्ग एज आपको एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक एज एन इंस्टीट्यूशन लगता है कि चीजें इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हैं, एक इंसान ड्राइव कर सकता है क्या इतना बड़ा स्ट्रक्चर? मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी 3-5 साल ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनके पास पेशेंस है, ये सब माउथ वाटरिंग लेवल के वैल्यूएशन है, स्टैगर्ड बाइंग के वैल्यूएशन है, लेकिन पेशेंस अगर नहीं है तो आपको अंडर परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है, आपको तकलीफ होगी, जबरदस्त होगी। फैसला आपका, मेरा ऐसा मानना है कि जिसका 1650 के पास का बॉटम था, बड़े पहले डिस्कशन हो चुका है कि 1650 वाला जो लो है उसके पास तो बॉटम होना चाहिए, और इसलिए 1750 के आसपास का जो भी लेवल होता है वो अच्छा एक्युमुलेशन लेवल होता है। ये मैंने पहले भी कहा है, अभी भी रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज मैं वैल्यूएशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। मैं कभी ये नहीं कह रहा कि जाके खरीद लीजिएगा और ज़िंदगी में इसका 1650 नहीं टूटेगा, वो गारंटी देने वाला मैं नहीं हो सकता हूँ, मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूँ। तो अभी भी पेशेंस लगेगा आपको, कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा भगवान जाने। इस लेवल पे वैल्यूएशन कैसा है? अच्छा है। अगर कहीं यहाँ से कोई एनपीए लेवल पे या निम नेट इंटरेस्ट मार्जिन लेवल पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर को डिसअपॉइंटमेंट नहीं देना शुरू करते हैं ये लोग, ये स्टॉक आसपास ही रहेगा, कंसोलिडेट करेगा, और जब निफ्टी बैंक का 45,000 निकलेगा तो उसके बाद शायद ये भी रैली में पार्टिसिपेट करेगा, ऐसा मेरा अंदाजा है। तो 1650 का मुझे सपोर्ट लगता है कि हो जाएगा, और इसमें फ्रेश अपसाइड आने के लिए 1850 निकलना पड़ेगा, तो 200 रुपये का रेंज है, ये दोनों के जिधर निकलेगा उसके बाद तेज चलेगा जी।